बात करते हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं की, जिनके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद साय सरकार युवाओं को एक बड़ी सौगात देने वाली है। आचार संहिता खत्म होते ही सरकार नौकरियों का पिटारा खोलने वाली है। कई विभागों में लंबित भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इन भर्तियों में सबसे ज्यादा भर्ती शिक्षा विभाग में होगी। बंसल न्यूज से बातचीत में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि बीजेपी सरकार ने वादा किया है कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्ती होगी, जिसमें 33,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेज दिया गया है। अनुमति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता टिकेश वर्मा ने। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से आचार संहिता के बाद, क्योंकि बहुत सारे भर्तियां हैं, लंबित है, क्या कुछ योजना है सरकार की? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां करेंगे और उसमें 33,000 शिक्षकों की भर्तियों का भी हमने अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजा हुआ है और जैसे ही अनुमति मिलती है तो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि जो हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको हम पूरा करेंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद जो युवा है, जो शिक्षित युवा, जो रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत रहे और कई पदों पर उन्होंने भर्तियों के लेकर के आवेदन भी दाखिल किया है, तो ऐसे में क्या शायद सरकार बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग में भर्तियों के जो पिटारे वो खोलने वाले? अरे, अभी तो 4 महीना ही हुआ है सरकार को बने हुए, 5 महीना हुआ है, थोड़ा बहुत इंतजार करिए और आप देखिएगा कि जिस प्रकार से हमने बाकी वादों को पूरा किया, ये भर्ती का वादा भी हम पूरा करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग की बात करें तो क्या कुछ उच्च शिक्षा विभाग के, क्योंकि कई सहायक प्राध्यापकों को भी नियुक्ति के लिए बात सामने आई थी, हमने इसकी भी रिक्विजिशन हमारे अपने PSC को भेजा है और PSC की तरफ से इसकी कार्रवाई की जाएगी। और तो चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे स्कूल शिक्षा हो, सभी में बड़ी मात्रा में भर्ती की जाएगी। ये तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री बृजमोहन जी का साफ तौर पर कहना है कि आचार संहिता हटते के बाद सरकारी भर्तियों का पिटारा जल्द ही खुलने वाला है। कैमरा सर राहुल के साथ बंसल न्यूज रायपुर छत्तीसगढ़। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शिखर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से, सीधे उनका रुख करते हैं। शिखर, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कि इन चुनावों में देश भर में भी गूंजा और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इसकी गूंज काफी जोरों से सुनाई दी थी। विपक्ष ने काफी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। अब जो वादा किया था, क्या सरकार उस दिशा में आगे बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद? देखिए, विधानसभा जब चुनाव छत्तीसगढ़ में होने जा रहे थे उस दौरान मोदी की गारंटी लेकर बीजेपी आई थी। इस गारंटी में युवाओं के रोजगार को लेकर भी बात कही गई थी। अलग अलग विभागों में जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू करने की बात बीजेपी चुनाव के दौरान करती हुई नजर आई थी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी, लोकसभा में जो है आचार संहिता लग गया, इस वजह से कई भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, यानी कि 4 जून के बाद से प्रदेश में नौकरियों के लिए पिटारा खुलता हुआ नजर आएगा। युवा जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं नौकरियों का, तो तमाम जो विभाग हैं उन विभागों में अब जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों में नौकरी खुलती हुई नजर आएगी। करीब 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करती हुई नजर आएगी, जिसमें 30,000 से ज्यादा पद जो है अकेले शिक्षा विभाग की ओर से खोले जाएंगे। जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार आगे काम कर रही है, सभी विभागों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है और जानकारी जब सभी विभागों से आ जाएगी उसके बाद वित्त विभाग का अनुमोदन होगा और वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस बात का भी जिक्र यहाँ पे किया जा सकता है कि अकेले शिक्षा विभाग ही नहीं, अन्य जो विभाग है उन विभागों में भी भर्ती प्रक्रिया लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी लगातार मांगे उठती नजर आई थी और जिस तरह से पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर कार्रवाई की जा रही थी वो अब तेज गति के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। ये तो कहा जाए शिखर कि अपनी एक और गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।